हे गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं यू सीरीज की। इसके दो सीजन आ चुके हैं और हम सीजन 3 का वेट कर रहे हैं। तो आज इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो सीजन 1 में एक लड़का और एक लड़की की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है कि अगर किसी को हद से ज्यादा प्यार करोगे तो क्या होगा। और ये काफी अच्छी सीरीज है जिसकी रेटिंग्स आपकी स्क्रीन में दिखी रही होंगी। मेरे लिए एक क्यूट, साइको और थोड़ी डार्क टाइप की लव स्टोरी है। इसका लास्ट पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए छोटा सा इंट्रो देखते हुए शुरू करते हैं। और आप सबको कुछ नहीं करना है, यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो आगे की स्टोरी में जब बेंजी मर जाता है, उसके बाद जो और बैक की लव स्टोरी चलना स्टार्ट होती है। और बैक जो की एक्स कैंडेस के बारे में पूछती है, बट जो घूम फिर के टॉपिक चेंज कर देता है। और फिर जो बेंजी की बॉडी को कैसे ठिकाने लगाए इस चीज़ में लग जाता है। और बेंजी का सोशल मीडिया टाइमली अपडेट करता रहता है ताकि किसी को शक ना हो। फिर वो रिसर्च करता है इस बारे में और डिसाइड करता है कि बॉडी को पार्ट्स में करके जला देगा, बट वो फिर ऐसा नहीं कर पाता, इतना भी साइको नहीं होता है वो। और फिर वो बस उस रूम में कुछ ऐसा करता है कि बॉडी की सड़ने की स्मेल बाहर ना आए। और जो अब फिर से बैक को स्टॉक करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको सब कुछ जानना होता है उसके बारे में। और उसको पता चलता है कि बैक अभी भी दूसरे लड़कों के साथ डेट कर रही है और प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही है, और जो तो बस उसकी लिस्ट में से एक है। तो जो को ये देखकर तो बुरा लगता है, बट वो इसको एज अ चैलेंज लेता है। और फिर वो देखता है कि बैक को एक न्यू बेड की सख्त जरूरत है, और फिर वो उसको साथ में शॉपिंग में चलने के लिए बोलता है। और इस बार तगड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए वो मिस्टर मूनी की विंटेज कार उधार लेता है और बैक के सामने एकदम हीरो वाली एंट्री मारता है। और ऑब्वियसली बैक थोड़ी इंप्रेस होती है। और फिर वो बेड की शॉपिंग करते हैं और बैक को कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन से साइज का बेड लें। फिर वो दोनों वहां पर किस करते हैं और जो को एक कॉल आता है कि शॉप में अचानक से इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जो ने बेसमेंट में जो अरेंजमेंट किए थे ताकि बॉडी से स्मेल ना आए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इफेक्ट पड़ा है। तो जो उनको लॉक ना तोड़ने के लिए बोलता है और तुरंत बैक को घर छोड़ता है और बुक स्टोर पहुंच के सब कुछ संभाल लेता है। और फिर वो पाको को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बोलकर सामान की लिस्ट देता है और खरीदने के लिए बोलता है, और किसी को भी ना बताने के लिए बोलता है। और वो सामान एक्चुअली और कुछ नहीं, बॉडी को जलाने के लिए होते थे। फिर वो रात में बेंजी की बॉडी को बोरी में भर के अपनी कार के डिग्गी में डाल लेता है और फिर बैक के घर जाकर उसके न्यू बेड को सेट करने में उसकी हेल्प करता है। और तभी पीच आ जाती है अपनी तबीयत खराब होने का बहाना लेके। और फिर जो वापस अपने अपार्टमेंट जाता है तो वहाँ पुलिस खड़ी होती है और पाको के डैड वही लिस्ट लिए होते हैं जो जो ने पाको को दी थी। और पुलिस उससे पूछने लगती है इस लिस्ट के बारे में, तो जो अपना दिमाग लगा के पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना देता है। और पुलिस को भी उस पर कोई शक नहीं होता, और वैसे भी जो पाको के डैड से तो ज़्यादा ही सीधा लगता है। और फिर जो सारा सामान लेके जंगल में जाता है और सारे केमिकल से बेंजी की बॉडी जला देता है ताकि कोई सबूत ना बचे। और बैक की दोस्त पीच उसको बार बार जो के लिए भड़का रही होती है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, बट बैक ऐसा नहीं सोचती और जो के पास जाती है और जो उसको अपना सीक्रेट रूम दिखाता है और बताता है कि ये जगह उसके लिए है और ये बुक्स उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बैक जो को अपने घर में इन्वाइट करती है नाइट स्पेंड करने के लिए, और फिर वो अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर बैक जब बाथरूम जाती है तो उसको कैप्टन नेम से किसी का टेक्स्ट आता है जो कि उसको एक जगह बुलाने के लिए बोलता है, जिसका रिप्लाई बैक यस बोल देती है और एक ड्रेस खरीदने के लिए पैसे भी भेजता है। और ये सारी चैट्स जो बाहर बैक के ओल्ड फोन से पढ़ रहा होता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर बैक एक न्यू ड्रेस खरीद के एक मोटेल के रूम में जाती है जो कैप्टन बुक करता है, और जो ये सारे मैसेजेस पढ़ रहा होता है तो जो भी तुरंत उस रूम से नेक्स्ट वाला रूम बुक कर देता है और वहाँ चला जाता है। और फिर बैक अपने रूम पे जाती है और वहाँ एक एज्ड पर्सन आता है और बैक उनको गले लगा के डैड बोलती है, और जो ये देख के चौंक जाता है क्योंकि उसको लगा था कि बैक के डैड मर चुके थे। और फिर बैक वो ड्रेस पहनती है और उसके डैड के साथ एक फेस्टिवल में जाती है, और ऑब्वियसली पीछे पीछे जो भी चला जाता है। और बैक को क्लियरली देख के पता चल रहा होता है कि वो अपने डैड को तो पसंद करती है, बट उसके डैड जिनके साथ रहते हैं उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर जो भी सोशल मीडिया की हेल्प लेके उसकी फैमिली के बारे में सब पता लगाता है कि बैक की मॉम नहीं रही और उसके डैड ने एक डिवोर्स लेडी से शादी कर ली, इसके दो बच्चे हैं, जिससे उस डिवोर्स लेडी की लाइफ तो बन गई बट बैक की लाइफ बर्बाद हो गई क्योंकि उसके डैड ने उस पर फोकस करना छोड़ दिया था। फिर पीच अपनी बुक की तलाश करते करते जो के स्टोर पहुंच जाती है और उसको बेसमेंट के बारे में पता चलता है। उसको लगता है कि जो ने उसकी बुक वहीं छुपा के रखी है। और फिर बैक जो को उस फेस्टिवल में देख लेती है, और फिर जो पहले तो झूठ बोलता है कि वो यहाँ बुक्स के लिए आया, फिर वो सच बता देता है कि वो तुम्हारी वजह से यहाँ आया है क्योंकि वो तुमको सरप्राइज देना चाहता था। फिर बैक उसको अपनी फैमिली के बारे में सब बताती है और जो उनकी फैमिली के साथ लंच पे जाता है, बट वहाँ बैक का सारा गुस्सा निकल जाता है उसकी सौतेली माँ और पापा के ऊपर, जिसकी वजह से बैक जो से भी लड़ाई कर लेती है और गुस्से में उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर बैक का ये सारा गुस्सा अपनी राइटिंग स्किल्स पे निकलता है और फिर वो एक स्टोरी लिखती है और वो स्टोरी सबको पसंद आती है। और फिर कुछ टाइम अकेले रहने के बाद बैक फिर से रोके अपार्टमेंट जाती है
और वहाँ दोनों अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं और हंसी खुशी वापस साथ आ जाते हैं। बट पीच को उनको साथ देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और अब जो बैक की बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी घुल मिल जाता है और उनके साथ नाइट पार्टीज भी करता है और बैक की सारी दोस्त जो को पसंद करती हैं सिर्फ पीच के अलावा। पीच उससे हर बार उस बुक के लिए पूछती है जो उसने उसके घर से चुराई होती है, बट जो बहुत होशियार होता है वो उससे हर बार पीछा छोड़ा देता है। और अब जो मेन फाइट शुरू होती है बेंजी के बाद वो होती है पीच को लेकर। एक तरफ पीच होती है जो बैक को अपने साथ करना चाहती है और अदर साइड जो होता है जो बैक को अपने साथ करना चाहता है। अब ऐसे ही ये दोनों एक एक करके चाल चलते रहते हैं। जब जो बैक को स्पेशल डिनर के लिए इनवाइट करता है तो अचानक से हर बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है और प्रॉब्लम के पीछे हर बार पीच होती है और जो ये समझ रहा होता है। और हम सब जानते हैं कि जो का अगर दिमाग घूम गया तो वो क्या कर सकता है। और जो अब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था पीच की हरकतों से, तो अब जो पीच को स्टॉक करना चालू करता है। और पीच अमीर होती है तो वो एक फेमस राइटर्स के एजेंट से बैक की पार्टी मीटिंग करवाती है, जिसकी जगह वो जो के बुक स्टोर को ही फिक्स करती है। और जो पार्टी में पीच को उस एजेंट से बात करते सुन लेता है कि वो सिर्फ बैक का करियर बर्बाद करना चाहती है, उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, तो जो वहाँ चलाकी से पीच का पर्स चुरा लेता है जिसमें पीच का पर्सनल लैपटॉप होता है और बैक की एक फ़ोटो मिलती है। तो पहले जो समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या है, बैक की फ़ोटो पीच के पर्स में क्यों है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि एक्चुअली पीच बैक से ऑब्सेस्ड हो चुकी है जस्ट लाइक जो, और जो कि बैक की लाइफ में आने के बाद से उससे दूर होने लगी है, इसीलिए उसको जो पसंद नहीं और वो बैक को वापस अपनी लाइफ में चाहती है। और अब जो पीच का लैपटॉप छुपा देता है और अगले दिन पीच का लैपटॉप का पासवर्ड ढूंढने के लिए रिसर्च करता है और पीच को फिर से शक हो जाता है कि जो ने उसका लैपटॉप चुराया है, तो वो उसके घर उसकी बिना मर्जी के घुस जाती है और लैपटॉप ढूंढने लगती है और उसको वो लैपटॉप कहीं नहीं मिलता। जो इतना बुद्धू नहीं होता है कि वो उसको अपने घर में ही रखेगा। जो ने उसको पीच के घर के नीचे छुपा के रखा होता है और उसका पासवर्ड भी बैकलेशियस होता है, मतलब इतना ऑब्सेस हो चुकी थी वो बैक को लेकर। अब उस लैपटॉप में भी जो को बैक की फ़ोटोज़ मिलती हैं और जो कि एक नॉर्मल फ्रेंड्स फ़ोटोज़ से बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर बैक को वो एजेंट अपनी कार में इनवाइट करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और इस बात से बैक बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, इसलिए वो पीच को जाकर बहुत बुरा भला बोल देती है और जो के पास चली जाती है। और फिर जब जो को लगता है कि चलो अब पीच शायद रास्ते से हट गई है, लेकिन तभी पीच का कॉल आता है और उसने सुसाइड ड्रग्स लिए होते हैं और वो बैक को सॉरी बोल रही होती है। ये देख बैक जो के साथ सीधे पीच के घर जाती है और जो पीच के इशारे देख के समझ जाता है कि ये सब पीच की साजिश है, वो सिर्फ नाटक कर रही होती है। बट जो वहाँ कुछ नहीं कर सकता था और अब जो के लिए एक लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग पीच का पीछा करता है मॉर्निंग रनिंग के टाइम और सन्नाटा देखकर पीछे से पीच के सर पे पत्थर से मार के भाग जाता है और उसको लगता है कि पीच मर गई। और फिर घर वापस आने पे पाको के डैड से उसकी लड़ाई हो जाती है, इसमें जो को काफ़ी चोट लगती है। और फिर बैक का कॉल आता है कि पीच के ऊपर हमला हुआ है और वो घायल हो गई है, इसकी वजह से जो को और धक्का लगता है क्योंकि पीच मरी नहीं होती है। तो गाइज ये थी स्टोरी सीजन 1 की, आई होप यू लाइक इट। बाकी की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो कि 2 दिन में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, सी यू सून, बाय बाय।